मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नवागढ़ में सूचक विजय मनहर, पिता रामनाथ मनहर, उम्र 50 साल, साकिन पोड़ी की सूचना पर की दिनांक 29 सितंबर 2020 को इसका भाई आकाशदीप मनहर, पिता स्वर्गीय फूलसाय मनहर, उम्र 40 साल, साकिन पोड़ी अपने खेत में काम करने गया था तो ग्राम पोड़ी के गौठान की फेंसिंग जाली में से करंट लगने से मृत्यु हो गई। सूचक की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में मर्ग क्रमांक 62/20 धारा 174 जाफो चाक किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर के एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मधुलिका सिंह के द्वारा प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के दिशा निर्देश पर SDOP जांजगीर श्री जितेंद्र चंद्राकर के कुशल मार्गदर्शन में मर्ग सदर की जाँच की गयी। मर्ग सदर की जाँच के दौरान मृतक आकाशदीप मनहर का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा विद्युत करंट लगने से मौत होना लेख करनी, विद्युत विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में ग्राम पोड़ी के गौठान के ऊपर से बिजली तार संतोष कुमार साहू और ननकी दाऊ साहू उर्फ सीता प्रसाद साहू के खेत तक बोर चलाने हेतु विद्युत तार खींचा जाना, जो गौठान के फेंसिंग जाली GI में टच होना, जिसमें विद्युत करंट प्रभावित होना, उक्त विद्युत कनेक्शन अवैध होना लेख कर देने से मर्ग सदर की जांच में मृतक आकाशदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवाहों के कथन एवं विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार मृतक आकाशदीप मनहर की मृत्यु आरोपी संतोष कुमार साहू एवं ननकीदा उर्फ सीता प्रसाद साहू द्वारा मिलकर खेत में बोर चलाने के लिए बिजली खंभा से अवैध रूप से लापरवाही पूर्वक बिजली तार ले जाने एवं उक्त तार के गौठान के फेंसिंग जाली के GI तार में टच होने से GI तार में विद्युत करंट प्रभावित होने एवं मृतक आकाशदीप के अपने खेत में कार्य करने के दौरान उक्त फेंसिंग जाली तार की चपेट में आकर विद्युत करंट लगने से मौत होना पाया जाने से अपराध क्रमांक 270/20 धारा 304A 34 भारतीय दंड विधान 135 138 विद्युत अधिनियम दर्ज किया गया। आरोपियों को दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर आरोपियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु DSP परमेश्वर तिलकवार, थाना प्रभारी नवागढ़ के नेतृत्व में निरीक्षक VK पांडे, प्रधान आरक्षक 191 मथुरा KC भागवत श्रीवास, पुनेश्वर आजाद, भुवनेश्वर साहू का योगदान सराहनीय रहा है। सर, जो पौड़ी में अभी करंट के चपेट में आया, उस संबंध में आपको जो जानकारी है और जो कार्यवाही हो, उस संबंध में विस्तृत से बताएंगे। दिनांक 29/9/2020 को करंट की चपेट में आने से आकाशदीप मनहर की मृत्यु हो गई थी, जिस पर से मार्ग क्रमांक 62/2020 थाने में दर्ज किया गया था। जांच की जा रही थी, जांच के पश्चात जाँच के दौरान ही विद्युत विभाग को लेटर दिया गया था कि जो कनेक्शन गया था वो वैध है कि अवैध है। विद्युत विभाग द्वारा हमें लिखित में दिया गया कि कनेक्शन अवैध था, जिस पर से आज अपराध क्रमांक 270/2020 धारा 304A 135 138 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा लगाई गई और अपराधियों को रिमांड पर भेजा गया।